हिमाचल की हॉट लोकसभा सीट हमीरपुर में आज वोटिंग हो रही है। इस सीट पर कांग्रेस भाजपा में सीधा मुकाबला है। भाजपा ने यहां से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से सतपाल रायजादा उम्मीदवार हैं। अनुराग ठाकुर ने अपने परिवार के साथ पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान की और लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने की अपील की। अगर आप पोलिंग बूथ पर देखेंगे तो भारी उत्साह है। लोग लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए सुबह पहला काम मतदान करने का कर रहे हैं, और ये उत्साह दिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में फिर एक बार अच्छी सरकार को चुनने के लिए लोग वोट कर रहे हैं, और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग और वोट मिलेगा। और आशा करता हूँ सातवें चरण में, सातों चरणों की सबसे ज्यादा वोटिंग सातवें चरण में हो, ये वोट में तब्दील होना चाहिए। पांचवी बार इलेक्शन जीत के आप इतिहास बनाने की पूरी तैयारी में? जनता ने ही पिछले सब बार आशीर्वाद दिया, हर बार आशीर्वाद दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत तन मन से सेवा की है, लोगों की वोट मांगा है, और काम जो मोदी सरकार के वो अपने आप सिर चढ़ के बोलते हैं, तो मुझे पूर्ण आशा है कि लोगों का विश्वास बना रहेगा और लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा।